1444 पिलर्स खंभे लगे हुए हैं। हिमाचल नप, उत्तराखंड नप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको लेकर के आ गया हूँ अरावली की शानदार वादियों के बीच में। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये गहरी घाटियां और इनमें बहता नाले, नदियां, झरने और ये हरियाली। ये विश्वविख्यात रणकपुर जैन तीर्थ के बाहर का दृश्य है। सामने नदी बहती है। ये यहाँ जैन टेंपल के अंदर एंटर करते ही यहाँ भोजनशाला दिखेगी। यहाँ ये देखिए लोकल पार्किंग, भोजनशाला, कैंटीन, शानदार हरियाली, शांति यहां आपको महसूस होगी। ये रणकपुर के मंदिर परिसर में मेन जैन टेंपल, रणकपुर के जैन टेंपल के अलावा दूसरा और एक मंदिर है, पार्श्वनाथ देरासर मंदिर। ये यहाँ इसका भी अपना एक महत्व है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर के आ गया हूँ इस वीडियो में राजस्थान के रणकपुर। विश्व विख्यात रणकपुर जैन तीर्थ स्थल है। भारत के 5 प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों में से एक रणकपुर का नाम आता है। फ्रेंड्स, उदयपुर से जब जोधपुर जाते हैं वाया पाली होते हुए, तो पाली जिले में, इनफेक्ट पाली उदयपुर से पाली बॉर्डर पर, उदयपुर पाली बॉर्डर पर ही पड़ता है ये आपका रणकपुर। फ्रेंड्स, उदयपुर से इसकी डिस्टेंस 96 किलोमीटर रहती है और एक सादड़ी टाउन है उसमें ही आता है रणकपुर। फ्रेंड्स, इस टेंपल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टेंपल 15वीं शताब्दी में बना है और इसको राणा कुंभा के समय का बना हुआ ये टेंपल है। फ्रेंड्स, इसलिए इसका नाम रणकपुर जैन टेंपल पड़ा है। इस जैन टेंपल में फ्रेंड्स जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की मूर्ति इसमें स्थापित है। ये जैन टेंपल जो है फ्रेंड्स बहुत प्राचीन और पवित्र स्थल है। संगमरमर से बना हुआ शानदार जैन टेंपल है। यहाँ इस जैन टेंपल में फ्रेंड्स 1444 पिलर्स खंभे लगे हुए हैं। हर पिलर अपने आप में स्थापत्य कला का नायाब नमूना है, एक नायाब यूनिक है अपने आप में। कोई भी खंभा एक दूसरे से स्थापत्य कला में, डिजाइनिंग में एक दूसरे से मैच नहीं करता है। इन मूर्ति, इन खंभों में 2400 जैन धर्म के 24 तीर्थंकर की मूर्तियां भी उकेरी गई है। सर, ये मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है। ये अपने आप में जैनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। जैसे सनातन धर्म के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ अलग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जैनों के लिए रणकपुर जी एक बहुत बड़ा मंदिर है। इनकी एक तीर्थ है ये। तो ये आदिनाथ जी की यहाँ मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पे पिलर्स की, हर एक पिलर से एक मूर्ति दिखती है, हर एक पिलर से अलग व्यू दिखता है। यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ पे देश विदेश से भी लोग आते हैं, फॉरनर्स काफ़ी आते हैं। यहाँ पे हर जैनों का हर एक फंक्शन मनाया जाता है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे भीड़ रहती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको रणकपुर जैन टेंपल के अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ, जिसमें गर्भगृह, खंभे और गुंबद भी आपको दिखेगा। सुरक्षा कारणों से मैं रणकपुर जैन टेंपल का अंदर का बड़ा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। फ्रेंड्स, मेरी रणकपुर विजिट के दौरान जहाँ मैंने स्टे किया था वो ये रणकपुर नेचर रिट्रीट फार्म स्टे है। बहुत ही शानदार फार्म स्टे है और यहाँ के ओनर दिलीप सिंह जी है। सो जब भी आप रणकपुर विजिट करें यहाँ जरूर स्टे करें। फाइनली फ्रेंड्स, रणकपुर का जैन टेंपल घूमने के बाद मैं मेरे रूम पर आ गया हूँ।
हेलो सर। तो बत ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने हमारा लंच रेडी किया है। सो दिनेश भाई, आज हमें लंच में क्या देने वाले हैं, बताइए हमारे व्यूअर्स को। सर, लंच में हमने एक ट्रेडिशनल, जैसे बाजी का खींच बोलते हैं, बाजी का खींच है, और जो ट्रेडिशनल सब्जी है, काचरे की सब्जी है, अरे वाह, सब्जी है, ड्राई आलू की सब्जी है, और पुलाव है, अरे वाह, और रोटी है। रणकपुर रिट्रीट रिसोर्ट जहाँ मैंने स्टे किया है, बेसिकली एक फार्म स्टे है, वहाँ मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करी है जो कि अभी आपको दिखेगी। आप अगर यहाँ आए कभी तो आप भी इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, इट्स माई ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज दैट वर्ल्ड फेमस रणकपुर जैन टेम्पल जहां मैं आया हूँ, वहां के रिसोर्ट रणकपुर नेचर रिट्रीट के ओनर विकास जी। बेसिकली जो हमारी जगह है वो 50 ईयर्स पहले हमने ली थी पापा ने हमारे, और इसको हमने नेचर को डेवलप किया है। जैसे हमारी कोशिश ये है कि कम से कम रूम्स बने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे। हमारे प्रॉपर्टी में कम से कम 1500 ट्रीज हैं, प्लस सारे ट्रीज जो हैं वो मोस्टली प्लांट्स वो हैं जो फ्रूट्स देते हैं, जैसे आम है, चीकू है, सीताफल है, आंवला है, नींबू है, अनार है, अमरूद है, जामुन है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 1% भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड तो बिल्कुल यूज नहीं करते, फर्टिलाइजर भी हम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी रणकपुर विजिट के दौरान जहाँ मैंने स्टे किया है, रणकपुर नेचर रिट्रीट, उसी रिसोर्ट की ओर से और उनके ओनर सर की ओर से ये रुद्र भाई मुझे आज जंगल सफारी भी करवाएंगे। ये देखिए शानदार ओपन जिप्सी, इसमें आज हम जंगल सफारी करेंगे, और रुद्र भाई अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज हमें लेपर्ड दिखाएंगे। क्यों रुद्र भाई, एम आई राइट? तो दिखाएंगे, ये देखिए 100% हमें लेपर्ड दिखाएंगे। फ्रेंड्स, रणकपुर नेचर रिट्रीट उनके ओनर सर है दीपक सर, उनकी ओर से मुझे स्पेशल ट्रीट दी जा रही है, और मैं आज जंगल सफारी कर रहा हूँ, कुंभलगढ़ सफारी, जहाँ रुद्र भाई हैं जो मुझे सफारी करवाएंगे, और ये बोल रहे हैं कि गारंटेड मुझे और आप सबको लेपर्ड दिखाएंगे। तो चले फ्रेंड्स, ये देखिए शानदार इनकी गाड़ी। तो आप भी कभी सोलो ट्रैवलर हो तो ये ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेंगे, और आप अगर ग्रुप में हो तो दीपक सर के रिसोर्ट में स्टे करके आप इस तरह की जंगल सफारी रुद्र भाई के साथ में एंजॉय कर सकते हो एज ए ग्रुप, और बेहतरीन आप अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये हम खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ये देखो दोस्तों, ओह माय गॉड, दोस्तों ये रुद्र भाई की डेयरिंग तो देखो, ओ माय गॉड, फ्रेंड्स ये जिप्सी इस पहाड़ पर चल रही है और इस पहाड़ से नीचे उतर रही है खड़ी चढ़ाई पर, ओ माय गॉड। ये देखो आप, ये इस पहाड़ से गाड़ी उतर रही है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फ्रेंड्स, दिस ऑल एक्सपीरियंस पॉसिबल, ऑल क्रेडिट गोज टू दीपक सर, यस, एंड आप लोग भी यहाँ आएंगे तो दीपक भाई एंड रुद्र भाई इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देंगे, इनके सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि आपको लेपर्ड दिख सकता है,
किसी दूसरी साइड आना होगा आपको, तो चले आई होप सो। ये देखिए ये अब और एक पहाड़ पे, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, जरा देखो तो सही दोस्तों, कभी ऐसा वीडियो देखा हो तो आप मुझे जरूर से बताइएगा। ओह माय गॉड, ये देखो लेपर्ड देख के दोस्तों, ये एक मोबाइल मेरे हाथ से कहीं छिटक ना जाए। ये देखो फिर वापस ढला नहीं है। अब आप हम आए हैं दोस्तों ग्राउंड लेवल पे, और ये देखिए यहाँ इस गाड़ी के पायलट साहब के जोश भी है और हिम्मत भी और ताकत भी, और लेपर्ड आपको और हमको दिखाने के लिए पागलपन हद से ज्यादा। जरा टेयरिंग तो देखो दोस्तों, ऐसे होती है दोस्तों जंगल सफारी। फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हमें लेपर्ड दिखा है, और आप भी देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट मोड में है, और इसकी चौकस नज़र ने हमको देख लिया है और हमारी तरफ देख रहा है। ये देखिए यहाँ के एक्सपीरियंस्ड जंगल सफारी करवाने वाले रुद्र भाई ने बोला कि नो नीड टू वरी अबाउट लेपर्ड, वो हमारे पास नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा रणकपुर जैन टेंपल और रणकपुर जंगल सफारी का वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप तक और भी वीडियो पहुंचाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।